ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ विसरी नंबर 1123 क्लैरिफाइड ऑन 14 जून 2009 एट बॉम्बे महाराष्ट्र। ओम शांति। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 अगस्त 1968। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 9th August 1968। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं। द चिल्ड्रन नो दैट द फादर नरेट्स द मुरली। जो मुरली सभी के पास जाती है। एंड दैट मुरली रीचेस एवरीवन। और जो मुरली पढ़ करके सर्विस करते हैं। एंड दोस्ट ऑफ दोस सर्विस बाय रीडिंग द मुरली। उनों का समाचार मैगजीन में आता है। देयर न्यूज इज पब्लिश्ड इन द मैगजीन। अभी बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं व नहीं। नाउ वेदर द चिल्ड्रन रीड द मैगजीन और नॉट। अगर पढ़ेंगे तो सेंटर्स के सर्विस समाचार मालूम पड़ेगा। इफ दे रीड इट दे विल कम टू नो अबाउट द न्यूज ऑफ द सर्विस डन एट द सेंटर्स। फलानी फलानी जगह ऐसी ऐसी सर्विस हो रही है। That such and such service is taking place in so and so place. जो पढ़ेंगे ही नहीं। Those who don't read it at all. उन्हों को कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा। They won't come to know about the news at all. ना उनके समाचार का मालूम पड़ेगा ना पुरुषार्थ का पता चलेगा। They will neither know their news nor their पुरुषार्थ। क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं सर्विस का। It is because they won't make the purushart of service at all. समाचार सुनकर के दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। When you hear the news, it comes in your heart, I should also do such service. मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। You come to know through the magazine as to how much service your brothers and sisters do. ये तो बच्चे समझते हैं। The children do understand. जितनी सर्विस है उतना उच्च पद पावेंगे। द मोर वी डू सर्विस द हायर द पोजिशन वी विल अचीव। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है। दिस इज वाई द मैगजीन ऑल्सो इंस्पायर्स यू। सर्विस कराने के लिए। टू डू सर्विस। तो ये मैगजीन कोई फालतू नहीं बनती है। सो दीज मैगजीन्स aren't मेड यूजलेसली। फालतू वो समझते हैं जो खुद नहीं पढ़ते हैं न सर्विस करते हैं। Those who neither read them themselves nor do service consider them to be useless. कोई कहे हम तो अक्षर ही पढ़ना नहीं जानते। Some may say we don't know how to read at all. अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हो ना? अरे यू डू गो टू लिसन टू द रामायण द भागवत द गीता एंड सो ऑन डोंट यू? तो ये भी सुननी चाहिए। सो यू शुड लिसन टू दिस एज वेल। नहीं तो सर्विस का हौसला नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज यू वोंट गेन एंथुसियाज्म फॉर सर्विस। बाप के पास तो सभी समाचार आते हैं। द फादर सर्टेनली रिसीव्स ऑल द न्यूज। तो ये मैगजीन भी सुननी चाहिए। So you should listen to these magazines as well. फलानी जगह ये सर्विस हुई। This service took place at that place. अगर शौक हो तो किसको भी कहे पढ़ करके सुनाए। If someone is interested, he will ask anyone to read it out to him. बहुत सेंटर्स पर ऐसे होंगे जो मैगजीन पढ़ते ही नहीं होंगे। There would be many in the centers who don't read the magazine at all. और बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता है। इन एडिशन देयर आर मेनी हु डोंट डू इवन अ ट्रेस ऑफ सर्विस। तो पद भी ऐसा ही पावेंगे। देन दे विल रिसीव द पोजीशन अकॉर्डिंगली। जैसे कि सेवा की कोई कदर ही नहीं। इट इज एज इफ दे हैव नो वैल्यू फॉर सर्विस। ये तो समझते हो। यू डू अंडरस्टैंड कि राजधानी स्थापन हो रही है। The capital is being established. उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं। The harder someone works for it. ऐसा ही पद पाते हैं। He receives the position accordingly. पढ़ाई में भी अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे।
इफ यू डोंट पे अटेंशन इवन टू द स्टडीज यू विल फेल। बाप समझाते हैं। द फादर एक्सप्लेन्स। ऐसे नहीं कहेंगे कि रामचंद्र फेल हुआ। इट वोंट बी सेड दैट रामचंद्र फेल्ड। नहीं। नो। कोई बच्चे फेल हुए जो पढ़ कर के रामचंद्र बनते हैं। अ चाइल्ड फेल्ड हु स्टडीज एंड बिकम्स रामचंद्र। राम व सीता थोड़े ही पढ़ते हैं। राम एंड सीता सर्टनली डोंट स्टडी। जो कहें कि फेल हुए। सो दैट इट वुड बी सेड दैट दे फेल्ड। ये नाम तो त्रेता का है। संगम युग में तो कुछ नाम और ही होगा। दीज नेम्स आर ऑफ द सिल्वर एज। दे विल सर्टेनली हैव सम डिफरेंट नेम इन द कॉन्फ्लुएंस एज। तो ये भी समझने की बात है। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड। कोई सुने रामचंद्र फेल हुआ तो कहेंगे कहाँ पढ़ते थे। इफ समवन हियर्स दैट रामचंद्र फेल्ड ही विल आस्क वेयर ही स्टडीड। कहेंगे पिछले जन्म में पढ़ करके ये पद पाया है। इट विल बी सेड दैट ही स्टडीड इन हिज प्रीवियस बर्थ एंड रिसीव्ड दिस पोजीशन। कौन सा पिछला जन्म। विच प्रीवियस बर्थ। संगम युग का पिछला जन्म। द प्रीवियस बर्थ ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टडी। जितना पढ़ेंगे पढ़ावेंगे उतना अपना ही फायदा है। द मोर यू स्टडी एंड टीच द मोर यू योर सेल्फ आर बेनिफिटेड। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है। देर आर मेनी चिल्ड्रन हु डोंट इवन थिंक ऑफ रीडिंग द मैगजीन्स। अपने शरीर निर्वाह के लिए शिव बाबा के भंडारे में आकर बैठे। दे हैव कम एंड आर सिटिंग इन शिव बाबा स्टोर हाउस फॉर देयर लाइवलीहुड। सर्विस नहीं करते हैं तो ऐसे क्या पद पावेंगे। इफ दे डोंट डू सर्विस व्हाट पोजीशन विल सच वंस रिसीव। पाई पैसे का पद पाए लेंगे। दे विल रिसीव अ पोजीशन वर्थ पाई पैसा दैट इज समथिंग लीस्ट वैल्यूएबल। सरेंडर हुए हैं तो राजघराने में तो आवेंगे। इफ दे हैव सरेंडर्ड दे विल सर्टेनली कम इन द रॉयल फैमिली। परंतु राजा रानी तो नहीं बनेंगे। बट दे डेफिनेटली वोंट बिकम किंग्स एंड क्वींस। प्रिंस प्रिंसेस में भी ऊंचे और नीचे होते हैं। देर आर दोज विद अ हायर और लोअर पोजिशन अमंग द प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस एज वेल। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहती है किसने पुरुषार्थ नहीं किया है तब ये पद पाया है। यू डोंट हैव दिस थॉट देयर ही डिडंट मेक पुरुषार्थ दिस इज व्हाई ही रिसीव्ड दिस पोजिशन। नहीं। नो। ये कर्म विकर्म की सारी बातें यहाँ ही बुद्धि में रहती हैं। You have all these concepts of karma, action and vikarma, that is wrong action, in your intellect here itself. Kalp ke sangam yug par hi baap aakar ke samjhate hain. The father comes only in the confluence age of the cycle and explains it. Jo nahi samajhte hain, wo jaise ke patthar buddhi hai. Those who don't understand it, they are like the ones with a stone-like intellect. तुम भी समझते हो पहले हम भी तुच्छ बुद्धि थे। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वी टू वेर द वंस विद एन इनसिग्निफिकेंट इंटेलेक्ट अर्लियर। फिर तुच्छ बुद्धियों में भी परसेंटेज होती है। देन देयर इज परसेंटेज अमंग दोज विद एन इनसिग्निफिकेंट इंटेलेक्ट एज वेल। बाबा बच्चों को समझाते हैं बम्बई में सभी को इकट्ठा किया है उनको भी समझाने का ये मौका बहुत अच्छा है कि अभी कलयुग है। बाबा एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन एवरीवन वाज असेंबल्ड इन बॉम्बे। इट इज अ वेरी नाइस चांस टू एक्सप्लेन टू देम एज वेल। इट इज द आयरन एज नाउ। इस कलयुग में अपार दुख हैं। देयर इज इमेंस सोरो इन दिस आयरन एज। बोलो ये दुख हैं।
नेम द काइंड्स ऑफ सोरो. जो सेंसिबल होंगे वो तो झट समझ जाएंगे. दोज हु आर सेंसिबल विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड. ये तो ठीक बोलते हैं. व्हाट दे से इज नो डाउट राइट. तुम भी समझते हो. यू ऑल्सो अंडरस्टैंड. कल हम कितने दुखी थे. दैट यू वर सो सोरोफुल यस्टरडे. अपार दुखों के बीच में थे. यू वर अमिडस्ट इमेंस सोरो. अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं. नाउ यू आर गोइंग अमिडस्ट द इमेंस हैप्पीनेस. ये है ही रावण राज्य. दिस इज सर्टेनली रावण्स किंगडम. कलयुग है. इट इज द आयरन एज. और ये बात भी तुम जानते हो. एंड इट इज यू हु नो दिस कॉन्सेप्ट. जानते हैं और औरों को नहीं समझाते हैं. इफ यू नो इट बट डोंट एक्सप्लेन इट टू अदर्स. तो बाबा कहेंगे ये कुछ भी नहीं जानते. बाबा विल से दैट यू डोंट नो एनीथिंग एट ऑल. जो जानते हैं दोस हु नो तो कहें. शुड नरेट इट. सर्विस करें. एंड डू सर्विस. और उनका समाचार भी मैगजीन में आवे. एंड देयर न्यूज शुड ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन द मैगजीन. कब कब ऐसे ही कोई का नाम ठोक देते हैं. समटाइम्स दे सिंपली मेंशन एनीवन्स नेम. उनको ये पता नहीं है बाबा के पास सर्विसेबल कौन कौन है. दे डोंट नो हु आर ऑल सर्विसेबल विद बाबा. कोई का भी नाम ठोक देते हैं. फलाने का लेख है. दे मेंशन एनीवन्स नेम. दिस इज दैट वन्स आर्टिकल. कब कब तो भागंती हो जाने वाले का भी नाम मैगजीन में ठोक देते हैं. समटाइम्स दे ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ दोस हु रन अवे इन द मैगजीन. उनको तो पता नहीं पड़ता है ये भागंती हो गया है या भागंती होने वाला है. दे डोंट नो एट ऑल वेदर दे हैव रन अवे और दे आर अबाउट टू रन अवे. माया खा जाती है. माया डिवोर्स देम. बाबा के पास तो ये सभी समाचार आते रहते हैं. इन फैक्ट बाबा रिसीव्स ऑल दीस न्यूज. दिन प्रतिदिन बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते हैं. वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है. ही कीप्स नरेटिंग वेरी इजी पॉइंट्स डे बाय डे. दीस पीपल अंडरस्टैंड दैट द आयरन एज इज स्टिल अ चाइल्ड नाउ. जब संगम युग समझे तब भेंट कर सके कि सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है. When they consider it to be the confluence age, only then can they compare what the difference between the golden age and the iron age is. कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है. There is immense sorrow in the iron age and immense happiness in the golden age. बोलो ये अपार सुख और अपार दुखों का संगम है. Tell them it is the confluence of immense happiness and immense sorrow. अपार सुख बच्चों को बाप दे रहे हैं. The father is giving immense happiness to the children. उसको कहते हैं अतींद्रिय सुख. It is called the super sensuous joy. जिस सुखों का कोई वर्णन नहीं कर सकता. No one can describe this joy. और हम वर्णन कर रहे हैं. And we are describing it. ऐसी बातें कोई समझा नहीं सकता कि बाप से प्रैक्टिकल जीवन में कौन से अपार सुख मिलते हैं. नो वन कैन एक्सप्लेन सच कॉन्सेप्ट्स एज टू विच इमेंस हैप्पीनेस दे रिसीव फ्रॉम द फादर इन देयर लाइफ इन प्रैक्टिस. सतयुग आदि में फर्स्ट नारायण को अपार सुख मिलते हैं या पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम युग में अपार सुख मिलते हैं. Does the first Narayan receive immense happiness in the beginning of the golden age or do you receive immense happiness in the Purushottam Swarnim Sangam Yug? कहेंगे संगम युग में बाप आते हैं. It will be said that the father comes in the confluence age. जब बाप आते हैं तो बच्चों को अपार सुख देते हैं. When the father comes, he gives immense happiness to the children. उन सुखों में इंद्रियों की वासना का नाम निशान भी नहीं रहता.
देयर इज इन द नेम एंड ट्रेस ऑफ द प्लेजर ऑफ द इंद्रिया इन दैट हैप्पीनेस एट ऑल. इसकी निशानी क्या है? वॉट इज इट्स साइन? चित्रों में समझानी क्या है? वॉट इज द एक्सप्लेनेशन इन द पिक्चर्स? है लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये समझानी है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन इन द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण. कि ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहने वाले जो नारायण हैं, नारायण हु रिसाइड्स इन द वर्ल्ड ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज, जिनका नाम ही नारायण पड़ता है. हिज वेरी नेम इज नारायण. नार अर्थात ज्ञान जल, अयन माने घर. नार मीन्स द वॉटर ऑफ नॉलेज एंड अयन मीन्स हाउस. जो ज्ञान जल के घर में रहते हैं, द वन हु रिसाइड्स इन द हाउस ऑफ द वॉटर ऑफ नॉलेज, अर्थात पांच तत्वों की दुनिया में बुद्धि से नहीं रहते हैं. इट मीन्स ही डजंट रिसाइड इन द वर्ल्ड ऑफ फाइव एलिमेंट्स थ्रू हिज इंटेलेक्ट. ज्ञान के प्रकाश विलय में उनको दिखाया गया है. दे आर शोन इन द स्पीयर ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज. नहीं तो चित्रकार कैसे चित्रण करे? अदरवाइज हाउ विल एन आर्टिस्ट पिक्चराइज इट? ऐसे लक्ष्मी नारायण जो डायरेक्ट इसी जन्म में नरसे नारायण बनते हैं, वो अपार सुखों की दुनिया में रहते हैं. सच लक्ष्मी नारायण हु बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन डायरेक्टली इन दिस वेरी बर्थ रिसाइड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेंस हैप्पीनेस. उनका इंद्रियों का सुख नहीं है. देयर इज इन द प्लेजर ऑफ द इंद्रिया. इंद्रियों के सुख से नई सृष्टि के पहले पत्ते का जन्म नहीं होता है. द फर्स्ट लीफ ऑफ द न्यू वर्ल्ड इज इन बॉर्न थ्रू द प्लेजर ऑफ द इंद्रिया. सतयुगी फर्स्ट जनरेशन का जन्म ही होता है अपार सुखों से. द गोल्डन एज फर्स्ट जनरेशन इज बॉर्न थ्रू इमेंस हैप्पीनेस इटसेल्फ. जहाँ इंद्रियों की वासना का नाम निशान नहीं है, देयर इज इन द नेम एंड ट्रेस ऑफ द प्लेजर ऑफ द इंद्रिया देयर एट ऑल. वाइब्रेशन की स्वच्छ सुलभता है. देयर इज द प्योर फीसिबिलिटी ऑफ वाइब्रेशंस. उन अपार सुखों का हम वर्णन कर रहे हैं. वी आर डिस्क्राइबिंग दैट इमेंस हैप्पीनेस. बाप के सिवाय और तो कोई ऐसे समझा ही नहीं सकता. नो वन एक्सेप्ट द फादर कैन एक्सप्लेन इट दिस वे. तुम भी बाप से नई नई बातें सुनते हो. यू ऑल्सो लिसन टू द न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फादर. बाप नित आकर के नई बातें सुनाते हैं. द फादर कम्स एंड नरेट्स न्यू पॉइंट्स एवरी डे. तुम्हारे सिवाय और तो कोई पूछ ही नहीं सकता. नो वन एल्स एक्सेप्ट यू कैन एस्क कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो. आर यू द रेजिडेंट ऑफ हेवन और हेल. तुम बच्चों में भी नंबरवार है. देर आर नंबर वाइज अमॉन्ग यू चिल्ड्रेन एज वेल. इतने पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं समझाने के समय. सम कांट रिमेम्बर सो मेनी पॉइंट्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग. कोई को देखने से ही देह अभिमान आ जाता है. दे बिकम बॉडी कॉन्शियस जस्ट बाय सीइंग समवन. समझना चाहिए कि आत्मा ही सुनाती है और आत्मा ही सुनती है. यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज द सोल दैट नरेट्स लिसन्स धारण करती है एज वेल एज इम्बाइब्स द नॉलेज. परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं. हाउएवर वेरी गुड महारथीज ऑल्सो फॉरगेट इट. समझाते समझाते देह अभिमान में आकर के बोलने लग पड़ते हैं. व्हाइल एक्सप्लेनिंग दे स्टार्ट स्पीकिंग बॉडी कॉन्शियसली. और ऐसे सभी का होता है. एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन. बाबा तो कहते हैं ये दादा भी पुरुषार्थी है. बाबा सर्टेनली सेज दिस दादा इज ऑल्सो अ पुरुषार्थी. ऐसे नहीं कि आत्मा समझ करके बात करते हैं. इट इज इन दैट ही कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी अ सोल एंड स्पीक्स. कौन? हु? है दादा. दादा आत्मा समझ करके बात नहीं करते.
Doesn't he consider himself to be a soul and speak? फिर क्या समझ करके बात करते हैं? Then, what does he consider himself to be and speak? है? देहभान रहता है। He has body consciousness. मेरे में कौन है? Thinking, who has come in me? शिव बाप है। The father Shiv. जो निराकार है। Who is incorporeal? वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। He is the father of point-like souls. और मैं? And me? मैं कौन हूँ? Who am I? वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब भाई भाई हैं। He is the father of point-like souls. Souls are all brothers for each other. दूसरा कोई संबंध उसके साथ नहीं बनता। Any other relation can't be formed with him. परंतु जब वो बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो और संबंध बन जाते हैं। However, when that father comes in the body of Brahma, other relations are formed. उनमें मुख्य संबंध है पति पत्नी का भी संबंध। Among them, the main relationship is of husband and wife. शिव बाप मेरे द्वारा गीता पति भगवान बनते हैं। The father Shiv becomes the husband god of the Gita through me. और कोई पार्टधारी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके द्वारा बाप गीता पति भगवान साकार में बनते हो। There is no other actor in this world through whom the father becomes the husband god of the Gita in the corporeal form. तो क्या कहेंगे, देवान आया या नहीं आया? So, what will be said? Did he become body conscious or not? देवान आया। He became body conscious. इसलिए बोला। This is why it was said. ये दादा भी पुरुषार्थी है, किस बात का? This dada is also a purusharthi. Regarding what? अपन को आत्मा समझने का। Regarding considering himself to be a soul. ऐसे नहीं कि आत्मा समझ करके बात करते हैं, नहीं। It isn't that he considers himself to be a soul and speaks. No. बाप आत्मा समझ करके ज्ञान देते हैं। The father gives the knowledge considering himself to be a soul. बाकी जो भी बच्चे हैं वो सब भाई भाई हैं। As for all the other children, they are all brothers for each other. और वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। And they are making पुरुषार्थ। ऐसी आत्मिक स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। They are making the purushart of stabilizing in such soul conscious stage. तो तुम बच्चों को भी समझाना है। So you children also have to explain. कि कलयुग में अभी अपार दुख है। Now there is immense sorrow in the Iron Age. तो अपार दुख देने वाला कौन? Then who is the one who gives immense sorrow? अपार सुख देने वाला तो एक बाप है। In fact, the father alone is the one who gives immense happiness. जो इंद्रियों से परे का सुख देता है। He gives the happiness beyond इंद्रियों। फिर इंद्रियों के द्वारा अपार दुख देने वाला कौन है? Then, who is the one who gives immense sorrow through the इंद्रियों? कहेंगे रावण। It will be said, रावण। सतयुग में होता है अपार सुख। There is immense happiness in the golden age. अभी संगम युग चल रहा है। Now the confluence age is going on. तो बाप रास्ता बताते हैं। So the father shows us the path. अपार सुखों में जाने का। To go to the world of immense happiness. क्या रास्ता बताते हैं? What path does he show? है? अपन को आत्मा समझ
आत्माओं के बाप को याद करो. कंसिडर योर सेल्स टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर द फादर ऑफ द सोल्स. तो देह के द्वारा दिए हुए जितने भी विकर्म हैं, वो सब भस्म हो जावेंगे. देन ऑल द रॉन्ग एक्शंस कमिटेड थ्रू द बॉडी विल बी टर्न टू एशेस. इंद्रियों से ही सुख और दुख भोगा है. यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस एंड सोरो ओनली थ्रू द इंद्रिया. इंद्रियों से सो भोगा हुआ सुख अपार सुखों की लिस्ट में नहीं आ सकता. द हैप्पीनेस एक्सपीरियंस थ्रू द इंद्रिया कांट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इमेंस हैप्पीनेस. ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं. इट इजंट दैट द फादर गिव्स हैप्पीनेस. कौन सा बाप सुख दुख नहीं देते हैं? विच फादर डजंट गिव हैप्पीनेस एंड सोरो. कौन सा बाप है जो न सुख देता है न दुख देता है? विच फादर नीदर गिव्स हैप्पीनेस नॉर सोरो. कौन सा है? हु इज ही? शिव बाप न सुख देते हैं न दुख देते हैं. फिर काहे के लिए आते हैं? स्टूडेंट्स द फादर शिव. द फादर शिव नीदर गिव्स हैप्पीनेस नॉर सोरो. देन व्हाई डज ही कम? है रास्ता बताने के लिए आते हैं. ही कम्स टू शो अस द पाथ. रावण भी दुख नहीं देते हैं. रावण डजंट गिव सोरो ईदर. फिर? देन कौन दुख देता है? हु गिव्स सोरो? रावण दुख नहीं देते हैं, दुख का रास्ता बताते हैं. रावण डजंट गिव सोरो बट शोज द पाथ दैट लीड्स टू सोरो. बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं. द फादर नीदर गिव्स यू सोरो नॉर हैप्पीनेस. वो भी रास्ता बताते हैं. ही ऑल्सो शोज द पाथ. फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा. देन द मोर पुरुषार्थ समवन मेक्स ही विल रिसीव हैप्पीनेस टू दैट एक्सटेंट. सुख देते नहीं है. ही डजंट गिव हैप्पीनेस. कहेंगे कि बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं. इट विल बी सेड यू रिसीव हैप्पीनेस ऑन फॉलोइंग द फादर श्रीमत. तो बाप सिर्फ रास्ता बताते हैं. सो द फादर जस्ट शोज द पाथ. रावण से दुख का रास्ता मिलता है. यू रिसीव द पाथ दैट लीड्स टू सोरो फ्रॉम रावण. क्या? व्हाट? ये रावण कौन है? हु इज दिस रावण? जिससे दुख का रास्ता मिलता है. अरे कोई है या नहीं है? है? फ्रॉम होम यू रिसीव द पाथ दैट लीड्स टू सोरो. अरे इज देयर समवन और नॉट? पूछते हैं मुरली में. ही आस्क्स इन द मुरली. रावण कौन? हु इज रावण? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग. इट विल सर्टेनली बी सेड दैट इट इज दीज गुरुस. परंतु गुरुओं में भी अव्वल नंबर कौन? हाउएवर हु इज द नंबर वन अमंग द गुरुस टू? अगर बाप दुख देता हो इफ द फादर गिव्स सोरो तो सभी को फिर एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए. एवरीवन शुड रिसीव द इनहेरिटेंस लाइकवाइज. सुख का वर्षा भी एक जैसा मिलना चाहिए, दुख का भी वर्षा एक जैसा मिलना चाहिए. दे शुड रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज सोरो लाइकवाइज. जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल द लौकिक फादर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स द इनहेरिटेंस टू द चिल्ड्रन. हियर यू विल रिसीव द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ यू मेक. तो बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं. सो द फादर शोज अस अ वेरी इजी पाथ. ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पावेंगे. सेइंग इफ यू डू दिस यू विल रिसीव सच अ हाई पोजीशन. बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है. द चिल्ड्रन हैव टू मेक पुरुषार्थ. कि हम सबसे जास्ती ऊंच पद पावे. थिंकिंग वी शुड रिसीव द हाईएस्ट पोजीशन. इसके लिए पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी फॉर दिस. ऐसे नहीं सोचना है कि ये भले ऊंच पद पावे. यू शुडंट थिंक दिस वन मे अचीव अ हाई पोजीशन. मैं तो बैठा रहूंगा. आई विल जस्ट सिट आइडल. नहीं. नो.
पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ इज फर्स्ट। ड्रामा अनुसार बच्चों से पुरुषार्थ होता जरूर है। द चिल्ड्रन डेफिनेटली मेक पुरुषार्थ अकॉर्डिंग टू द ड्रामा। कोई तेज पुरुषार्थ करते हैं, सम मेक फास्ट पुरुषार्थ। कोई डल पुरुषार्थ करते हैं, वेल सम मेक डल पुरुषार्थ। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पुरुषार्थ। बाप ने तो रास्ता बताया कि मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। द फादर हैज सर्टेनली शोड द पाथ, मेक द पुरुषार्थ ऑफ रिमेम्बरिंग मी। जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। द मोर यू रिमेम्बर मी द मोर योर विकर्म विल बी डिस्ट्रॉयड। ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है। यू शुडंट लीव इट ऑन ड्रामा। ये तो समझ की बात है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पार्ट पहले बजाया है वो ही बजाना पड़ेगा। दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड दैट द हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड रिपीट्स, सो यू विल डेफिनेटली हैव टू प्ले द पार्ट दैट यू प्लेड अर्लियर। सभी धर्म फिर से अपने समय पर आवेंगे। ऑल द रिलीजन्स विल कम ऑन देयर टाइम अगेन। समझो, कंसिडर, क्रिश्चियंस अभी 100 करोड़ हैं। There are 1 billion Christians now. फिर इतने ही पार्ट बजाने आवेंगे? Then those many souls will come to play their part. कब? When? है? Student replies. 100 करोड़? 1 billion. 68 तक? Till 1968. इतने ही 100 करोड़ Christians पार्ट बजाने के लिए आवेंगे। Those many 1 billion Christians will come to play their part. आत्मा का कब विनाश नहीं होता है? A soul is never destroyed. न उनके पार्ट का विनाश होता है। Its part isn't destroyed either. ये समझने की बातें होती हैं। These are the concepts to be understood. जो समझते हैं वो दूसरों को समझावेंगे जरूर। Those who understand them will certainly explain it to others. कहते भी हैं धन दिए धन ना खूटे। इट इज ऑल्सो सेड धन दिए धन ना खूटे, मीनिंग वेल्थ डजंट एग्जॉस्ट नो मैटर हाउ मच यू डोनेट। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे। यू विल कंटिन्यू टू इम्बाइब वर्चूज एंड मेक अदर्स इनटू वेल्दी मेन। ये साहूकार बनना भी कोई कम पद नहीं है। बिकमिंग अ वेल्दी मैन इजंट अटेनिंग अ लो पोजिशन ईदर। परंतु तकदीर में नहीं है तो अपन को भी बेसमझ समझते हैं, बेबस समझ लेते हैं। However, when it isn't in their luck, they consider even themselves to be insensible and helpless. हम तो मुख से कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे समझते हैं। They think we can't speak anything through our mouth at all. टीचर कहेंगे, The teacher will say, नहीं बोल सकते हो तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद मिल जाएगा। इफ यू कांट स्पीक यू विल बी फेटेड टू रिसीव अ पोजीशन वर्थ पाई पैसा। तकदीर में नहीं है तो बोलने की प्रैक्टिस करने की तदबीर भी क्या कर सकेंगे। इफ इट इजंट इन योर लक हाउ विल यू लर्न टू स्पीक और प्रैक्टिस ईदर। ये बेहद की पाठशाला है। This is the unlimited school. हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी अपनी होती है। Every teacher has his own subject. बाप के पढ़ाने की तरकीब बाप ही जानते हैं। The father alone knows the method of his teaching. तुम बच्चे भी जानते हो नंबर वार। You children also know it number wise. और कोई नहीं जान सकता। No one else can know it. तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो। यू चिल्ड्रन ट्राई सो हार्ड। तो भी जब समझे तब बात है। हाउएवर इट इज ऑफ सम यूज व्हेन यू अंडरस्टैंड इट। बुद्धि में बैठता ही नहीं है। इट डजंट सिट इन द इंटेलेक्ट एट ऑल। जितना नजदीक होते जाते हैं देखने में आता है होशियार होते जाते हैं। द क्लोजर यू कम इट इज सीन यू कंटिन्यू टू बिकम मोर सेंसिबल। कौन? हु है?
किसकी बात हुई? इट इज अबाउट हु? अरे बच्चों की ही बात हुई। बच्चे याद करते करते जितना बाप के नजदीक होते जाते हैं, देखने में आता है वो बच्चे होशियार होते जाते हैं। अरे इट इज अबाउट द चिल्ड्रन themselves. द क्लोजर द चिल्ड्रन कम टू द फादर while रिमेम्बरिंग हिम, इट इज सीन दैट those चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बिकम sensible. अभी म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खुलते रहते हैं। Now, the museums, spiritual colleges, etc. also continue to be open. तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है। Your very name is unique. नाम देते हो रूहानी यूनिवर्सिटी। You name it, the spiritual university. ये रूहानी पढ़ाई है। This is the spiritual study. पढ़ने वाली रूह है, पढ़ाने वाला भी रूह है। Those who study as well as the one who teaches are souls. सारी 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। The spiritual father comes just once in the entire cycle of 84 births and teaches the spiritual children. ड्रामा तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे के बाद रिपीट होगा। You will watch the drama and it will repeat after every 3 hours. तो ये भी 5000 वर्ष का चक्र है। So this is also the cycle of 5000 years. जो हूबहू रिपीट होता रहता है। Which keeps repeating as it is. ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। You children alone know this concept. वो लोग भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझाते। They explain that only the scriptures are right in the path of bhakti. तुमको तो कोई भी शास्त्र नहीं रिफर करने। You don't have to refer to any scripture at all. बाबा बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? बाबा sits and explains. Has the father studied any scripture? वो तो गीता को पहले पढ़ेंगे फिर सुनावेंगे। They will first study the Gita and then narrate it. कोई ऐसा तो होता नहीं है जो माँ के पेट से गीता पढ़ करके निकले। There isn't anyone who must have studied the Gita right from his birth. बाप के पास नॉलेज है। The father has the knowledge. और वो सदैव है ही है। And he has it forever. नॉलेज सुनाने का उनका पार्ट है। It is his part to narrate the knowledge. बेहद के बाप का ही पार्ट है पढ़ाने का। It is the part of the unlimited father alone to teach. अपना परिचय और सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। He explains his introduction and the secret of the beginning, middle and end of the world. दुनिया को इस बात का पता नहीं है। The world doesn't know about it. गाते भी हैं, ज्ञान का सागर भगवान है। They also sing, God is the ocean of knowledge. परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। However, they have mentioned Krishna's name. वास्तव में कृष्ण कोई ज्ञान का सागर नहीं है। Actually, Krishna is in the ocean of knowledge. बेहद के बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। The unlimited father himself is called the ocean of knowledge. कृष्ण तो मनुष्य है। In fact, Krishna is a human being. ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर है क्या? Are these Lakshmi and Narayan the ocean of knowledge? नहीं। No. यही वंडरफुल बात है। This itself is a wonderful concept. हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। We Brahmins alone narrate this knowledge according to the Srimat. परंतु वो लोग तुम्हारी बात कब नहीं मानेंगे। However, they will never agree to what you say. तुम कितना भी समझाते हो। No matter how much you explain to them. इस हिसाब से हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। We all are the children of Prajapita Brahma this way. अनेक बार बने हैं, फिर बनेंगे। We have become that many a times and we will become that again. क्योंकि हम ब्रह्मा के बच्चे ठहरे ना। It is because we are the children of Brahma, aren't we? वो तो कह देंगे। They will simply say, हम तुम्हारी ये बात नहीं मानते। We don't accept this concept of yours. कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। That you are the children of Prajapita Brahma. जब समझ में आवेगा तब मानेंगे।
When we understand it, we will accept it. तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान. You know, we become the adopted child of Prajapita Brahma every cycle. Adopted बच्चे बनते हैं. जो समझाते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं. Those who explain it also become the one with a faithful intellect. ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? How can someone become a deity without becoming a Brahmin? समझानी हरेक की बुद्धि पर है. Everyone has the explanation in his intellect. स्कूलों में भी ऐसे होता है. It happens the same in the schools as well. कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो पड़ते हैं. Some take scholarship and some fail. फिर नए सिरे पढ़ना पड़े. बाप कहते हैं. Then they have to study all over again. The father says. अगर विकार में गिरे. If you indulge in vices. तो की कमाई चट हो जाएगी. You will lose everything you have earned. फिर रिजल्ट क्या होगा? Then what will be the result? ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं. The knowledge won't sit in your intellect at all. और अंदर अंदर खाता रहेगा. And you will keep feeling guilty within. तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं, उन पापों का तो सभी को पता रहता है. You understand? Everyone certainly knows about the sins committed in this birth. बाकी पिछले जन्म में क्या क्या किया है वो याद नहीं आता है. However, you don't remember what all you did in the previous births. पाप तो जरूर किए हैं. You have certainly committed sins. हम जानते हैं सबसे जास्ती पाप आत्मा हम बने हैं. You know that it is you who became the most sinful souls. जो पुण्य आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, वो ही फिर पाप आत्मा बने हैं. The noble souls, the deity souls themselves have become the sinful souls. 9868 की वाणी का तीसरा पेज. It is the third page of the Vani dated 9-8-1968. बाकी पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कैसे बने हैं? वो बाप बैठ समझाते हैं. As for the rest, the father sits and explains how you became sinful and noble souls. बहुत बच्चे हैं इस बात को भूल जाते हैं कि हम पाप आत्मा कैसे बने और पुण्य आत्मा कैसे बने. There are many children who forget as to how they became sinful and noble souls. पढ़ते ही नहीं है. They don't study at all. अगर पढ़े हैं तो जरूर पढ़ावे. If they study, they will certainly teach. कोई डल बुद्धि होते हैं, कोई होशियार होते हैं. Some are dull headed, some are intelligent. ये पढ़ाई कितनी बड़ी है. How elevated this study is. इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का बनते हैं. You become the ones belonging to the sun or the moon dynasty through this very study of the father. तो कितनी बड़ी पढ़ाई है. So, this study is such an elevated study. वो तो इस जन्म में पढ़ करके मर्तबा पा लेते हैं. In fact, they study in this birth and receive position. तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद. तुम 21 जन्म नई दुनिया में पाते रहेंगे. You know that you will continue to receive the position through this study. For 21 births in the new world. और वो नई दुनिया तुम्हारे लिए कोई दूर नहीं है. And that new world isn't far from you. जैसे कपड़ा बदला जाता है. Just like you change your clothes. ऐसे ही तुम पुरानी दुनिया को छोड़ करके नई दुनिया में चले जाएंगे. Similarly, you will leave the old world and go to the new world. और विनाश भी जरूर होगा. In addition, there will be destruction as well. अभी तुम नई दुनिया में जा रहे हो. Now you are going to the new world. फिर ये पुराना छोला छोड़ जाना है. Then you have to leave this old body. नंबर बार राजधानी स्थापन हो रही है. The capital is being established number wise. जो अच्छी रीति पढ़ेंगे. Those who study nicely. वो पहले पहले स्वर्ग में आवेंगे. Will go to heaven first. बाकी पीछे आवेंगे. Others will go later on. सब कोई स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे. नॉट एवरी वन विल बी एबल टू गो टू हेवन. स्वर्ग में जो दास दासियां होंगी
वो भी दिल पर चढ़ी हुई होंगी। Even the servants and maids in heaven will be seated on the heart. बाकी ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। As for the rest, it isn't that everyone will go there. अभी रूहानी कॉलेज आदि खुलते रहते हैं। Now, the spiritual colleges etc. continue to be opened. सब आकर के पुरुषार्थ करेंगे। Everyone will come and make पुरुषार्थ। जो पढ़ाई में तीखे होंगे वो ऊंचे पद पावेंगे। Those who are sharp in study will achieve a high position. जो डल बुद्धि होंगे वो कम पद पावेंगे। The dull-headed ones will achieve a low position. हो सकता है कि जो अभी डल बुद्धि हैं, आगे चल करके अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। It is possible that those who are dull-headed now will start making good पुरुषार्थ later on. कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। Some intelligent ones also fall. ऐसे भी होता है। This also happens. पुरुषार्थ से समझा जाता है ये आगे से अच्छा पुरुषार्थ करता है। It is understood by someone's पुरुषार्थ that he makes better पुरुषार्थ than earlier. सयाना बन गया है। He has become sensible. तकदीर जब जागती है, When fortune smiles on him, तो ऊपर चढ़ जाते हैं। He rises high. ये सारा ड्रामा चल रहा है। This entire drama is going on. आत्मा शरीर धारण करके यहाँ पार्ट बजाती है। The soul takes on a body and plays its part here. नया चोला नया पार्ट बजाते हैं। It takes on a new body and plays a new part. कब क्या पार्ट बजाते हैं कब क्या पार्ट बजाते हैं। Sometimes it plays some part and sometimes it plays some other part. क्योंकि संस्कार तो आत्मा में ही रहते हैं ना। It is because the soul itself has the sanskars, doesn't it? ये ज्ञान बाहर में जरा भी कोई के पास नहीं है। No one in the outside world has this knowledge at all. बाप जब आकर के पढ़ावे तब ज्ञान मिले। When the father comes and teaches, it is then that they receive the knowledge. टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आवेगा? When there isn't the teacher, from where will the knowledge come? रूहानी पढ़ाई के लिए तो रूहानी टीचर चाहिए ना? You certainly need a spiritual teacher for the spiritual study, needn't you? दुनिया में तो सब जिस्मानी टीचर हैं। All are certainly bodily teachers in the world. तो ज्ञान कहाँ से आवेगा रूहानी? So, from where will the spiritual knowledge come? इसलिए उनको अज्ञानी कहा जाता है। This is why they are called ignorant. और तुमको ज्ञानी कहा जाता है। Whereas you are called knowledgeable. ज्ञानी अर्थात जानने वाला। Knowledgeable means the one who knows. सच्चाई को जानने वाले को ही ज्ञानी कहा जाता है। The one who knows the truth himself is called knowledgeable. उनकी तो है भक्ति। Theirs is certainly भक्ति। भक्ति मार्ग में अपार दुख होते हैं। There is immense sorrow in the path of bhakti. मीरा को भी बल साक्षात्कार तो हुए। Though Meera also had visions. परंतु ये थोड़े ही कहेंगे कि उनको स्वर्ग का सुख था। It certainly won't be said that she had the happiness of heaven. बैकुंठ के घनेरे सुख थे। She had the immense happiness of Vaikunth. क्या मीरा बीमार नहीं पड़ती होगी? Wouldn't Meera have fallen sick? वहाँ बैकुंठ में तो कोई भी प्रकार के दुख की बात नहीं होती है। There isn't any kind of sorrow there in Vaikunth. यहाँ तो अपार दुख है वहाँ अपार सुख है। Here, there is certainly immense sorrow and there is immense happiness there. यहाँ भी सन्यासी उदासी हो परंतु भ्रष्टाचार से तो सभी पैदा होते हैं। There are sannyasi udasi here as well. But everyone is certainly born through corruption. Udasi means an ascetic who becomes sad, thinking everything is false and momentary. और सभी दुखी होते हैं। In addition, everyone becomes sorrowful. यहाँ कैसे सन्यासी उदासी हो? How are sannyasi udasi present here? और वो सन्यासी उदासी जो यहाँ के होंगे ब्राह्मणों की दुनिया के वो भ्रष्टाचार से कैसे पैदा होंगे?
And those sannyasi udasi who are present here in the Brahmin world, how will they be born through corruption? कैसे भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं? How are they born through corruption? अरे कोई कुखवंशावली है, कोई मुखवंशावली है। जो मुखवंशावली है उनको कहेंगे श्रेष्ठाचारी। अरे सम आर कुखवंशावली एंड सम आर मुखवंशावली। द मुखवंशावली विल बी कॉल्ड श्रेष्ठाचारी। और जो कुखवंशावली है उनको कहेंगे भ्रष्टाचारी। Whereas the Kukvanshavali will be called Brashtachari. तो सभी दुखी होते हैं। So everyone becomes sad. भ्रष्टाचरण करते हैं तो दुखी जरूर होते हैं। When they perform corrupt behavior, they will definitely become sad. रावण राज्य है ना? It is Ravan's kingdom, isn't it? ये बीमारी आदि तो सभी को होती है। Everyone certainly has these diseases, etc. राजाओं को भी तो दुख होता है ना? Even the kings have sorrow, don't they? नाम ही है दुखदाम। The very name is the abode of sorrow. और वो दुनिया है सुखदाम। सुखदाम में दुख का नाम निशान नहीं हो सकता। And that world is the abode of happiness. There can't be the name and trace of sorrow in the abode of happiness. सुखधाम स्वर्ग को दुखधाम नरक को कहा जाता है। Heaven is called the abode of happiness and hell is called the abode of sorrow. संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये खेल है। This is the play of complete sorrow and complete happiness. और ये संपूर्ण दुख संपूर्ण सुख संगम युग में होता है। In addition, there is complete sorrow and complete happiness in the confluence age. सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में संपूर्ण दुख या संपूर्ण सुख नहीं कहेंगे। कंप्लीट सोरो और हैप्पीनेस कांट बी सेट टू बी इन द गोल्डन द सिल्वर द कॉपर और द आयरन एज। हाँ कहेंगे सतयुग आदि में है संपूर्ण सुख और कलयुग अंत में है संपूर्ण दुख। यस It will be said there is complete happiness in the beginning of the golden age and complete sorrow at the end of the iron age. दुख की जो भी वैरायटी है वो सभी अभी वृद्धि को पाती रहती है। All the varieties of sorrow keep increasing now. आने वाले इन 8 वर्षों में भी कितना दुख होता रहेगा। There will be so much sorrow in the coming 8 years too. अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। The mountain of infinite sorrow will fall. किनके ऊपर? On whom? कहाँ की बात बताई? He spoke about when? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ये वाणी जब पढ़ी जा रही थी उसके 8 वर्ष के बाद संक्षेत्र में ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे ढेर के ढेर थे जिन्होंने जब ये नई सच्चाई की बात सुनी तो उनके दिल में अपार दुखों का पहाड़ गिर गया। In the confluence age world of the Brahmins, 8 years after this vani was narrated, that is, in the year 1976, there were many of such ones in the very world of Brahmins who, when they listened to these new and true concepts, mountains of infinite sorrow fell on their heart. परंतु वह लोग बोलने का टाइम ही नहीं देते हैं। However, they don't give time to speak at all. समझने का टाइम देते ही नहीं हैं। They don't give time to understand at all. अभी टाइम तो बहुत थोड़ा है। Now, there is very little time left. अगर 2 मिनट 1 मिनट भी देवे Even if they give 1 or 2 minutes, तो भी उनको समझाओ। Explain to them. कि कैसे सतयुग आदि में अपार सुख था और कलयुग अंत में कैसे अपार दुख होते हैं। हाउ देर वॉज इमेंस हैप्पीनेस इन द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज एंड हाउ देर इज इमेंस सोरो एट द एंड ऑफ द आयरन एज। अपार सुख
बाप ही देते हैं। द फादर अलोन गिव्स इमेंस हैप्पीनेस। कौन से युग में? इन विच एज? स्वर्णिम संगम युग में अपार सुख बाप ही देते हैं। द फादर अलोन गिव्स इमेंस हैप्पीनेस इन द स्वर्णिम संगम युग। रावण से अपार दुख मिलता है। यू रिसीव इमेंस सोरो फ्रॉम रावण। जब बाप से अपार सुख मिलता है, When you receive immense happiness from the father, तो नई दुनिया बन जाती है या पुरानी दुनिया काबिज रहती है? Is the new world established or does the old world continue? तुम ब्राह्मणों के लिए नई दुनिया स्थापन हो जाती है। The new world is established for you Brahmins. अभी बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो। Now the father says, gain victory over lust. तो जगत जीत बनेंगे। Then you will become the conquerors of the world. बाप ये भी कहते हैं। The father says this as well. इससे ज्ञान का विनाश नहीं होता है। This knowledge isn't destroyed. सत्युग में इस ज्ञान का विनाश नहीं हो जाएगा? Won't this knowledge be destroyed in the golden age? है? ज्ञान रहेगा? Will the knowledge exist? ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान का सार अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे। The knowledge won't exist, but the essence of the knowledge will exist. You will consider yourselves to be a point of light soul. अगर यहाँ थोड़ा भी सुना, If someone hears even a little knowledge here, तो नई दुनिया में जरूर आ जाएगा। He will certainly go to the new world. किससे सुना? If he hears from whom? बाप से आकर के थोड़ा भी सुना तो सत्युग में जरूर आ जाएगा। If he comes and hears even a little knowledge from the father, he will certainly go to the golden age. प्रजा तो बहुत बननी है। Many will become the subjects. कहाँ राजा, कहाँ रंक। What a comparison between a king and a beggar. वही राजा फिर वही राजा ही गवा करके रंक बन जाते हैं। That very king loses that very kingdom and becomes a beggar. तुम समझते हो? You think? कि हम महाराजा थे? That you were kings. फिर 21 जन्मों के बाद रंक बने? And you became beggars after 21 births. ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। You have this knowledge in your intellect. क्या गवाई दिया 21 जन्मों के बाद? जो रंक बन गए। What did you lose after 21 births that you became a beggar? आत्मिक स्थिति का जो ज्ञान हमें बाप से मिला था, वो ज्ञान उड़ गया। जब आत्मा का ज्ञान उड़ गया, तो आत्मा के बाप का ज्ञान भी उड़ गया। You forgot the knowledge of soul consciousness that you received from the father. When you forgot the knowledge of the soul, you forgot the knowledge of the father of the souls too. ये ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। You have this knowledge in your intellect now. और हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। In addition, everyone has their own intellect. जिस बुद्धि के अनुसार समझ करके फिर और समझाते हैं औरों को। They understand as per their intellect and explain to others. जो समझाते हैं वो अच्छा पद पाए लेते हैं। Those who explain achieve a good position. वो तो कॉमन स्कूल होते हैं। Those are common, that is ordinary schools. ये तो मोस्ट अनकॉमन स्कूल है। This is the most uncommon school. क्योंकि भगवान आकर के पढ़ाते हैं। Because God comes and teaches. श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला मनुष्य ठहरा। In fact, Shri Krishna is also a human being with divine virtues. मनुष्य ठहरा? He is a human being. मनुष्य तो मन वाले को कहा जाता है। The one with the mind is certainly called a human being. कहाँ की बात है? When is it about? है? संगम युग में कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो। In the confluence age, call him Krishna or Brahma. देवता है या मनुष्य है? Is he a deity or a human being? मनुष्य आत्मा है। He is a human soul. बाप कहते हैं। The father says. मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों दोनों से न्यारा हूँ। I am beyond both the divine virtues and the demoniac traits.
न मैं देवता हूँ और न मैं मनुष्य हूँ। आई एम नीदर अ डीटी नॉर अ ह्यूमन बीइंग। न असुर हूँ। आई एम नॉट अ डीमन ईदर। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। अरे आई एम सर्टनली योर फादर। अरे तुम्हारा माने किसका? योर्स मीन्स हूज। आत्माओं का बाप हूँ। आई एम द फादर ऑफ द सोल्स। जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, उनका बाप हूँ। आई एम द फादर ऑफ दोस हू स्टे इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज। मैं आता ही हूँ पढ़ाने। आई सर्टनली कम टू टीच। ये नॉलेज कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। नो ह्यूमन बीइंग कैन गिव दिस नॉलेज। रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही देते हैं। द स्पिरिचुअल फादर हिमसेल्फ गिव्स द स्पिरिचुअल नॉलेज। गीता का ज्ञान कोई मनुष्य अथवा देवता दे नहीं सकता है। नो ह्यूमन बीइंग और अ डीटी कैन गिव द नॉलेज ऑफ द गीता। देवता क्या देगा? व्हाट विल अ डीटी गिव? देव आत्मा होगा। इफ समवन इज अ डीटी सोल तो ज्ञान देगा या धारणा की बातें सुनाएगा? विल ही गिव नॉलेज और नरेट द टॉपिक्स ऑफ धारणा? ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आकर क्या सुनाती है? What does Brahma's soul narrate after coming in Dadi Gulzar? ज्ञान नहीं सुना सकती। He can't narrate the knowledge. वो तो धारणा की बातें सुनाती है। In fact, he narrates the topics of धारणा। कहते हैं विष्णु देवताय नमः। It is said, I bow to the deity Vishnu. तो बताना चाहिए कृष्ण कौन हुआ? So you should tell them who Krishna is. देवता हुआ ना? He is a deity, isn't he? कृष्ण ही विष्णु है। Krishna himself is Vishnu. ये बात कोई जानते थोड़े ही है। No one knows this concept at all. तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। There are many even among you who forget it. भूल जाते हैं तो कोई को समझा ही नहीं सकते। When they forget it, they can't explain to anyone at all. जो भी देहधारी हैं, All the bodily beings. देह में जिनकी बुद्धि धरी हुई है, whose intellect is engaged in the body, born रूहानी नॉलेज कभी नहीं दे सकते, can never give the spiritual knowledge. ये बातें सभी नंबर वार जानते हैं. Everyone knows these concepts number wise. अगर समझते हो तो औरों को भी समझावे. Had they understood them, they would have explained to others as well. सर्विस करके बहुतों को ले आवे. They would have done service and brought many in knowledge. तब समझेंगे कि इन्होंने सर्विस की. It is then that it will be understood that they did service. क्या? What? ऐसे नहीं कि कोई सर्विस करके आ गए. It isn't that someone did service and came back. और निकला कोई नहीं. And no one came out in knowledge. बाप के पास तक कोई नहीं पहुंचा. No one reached the father. तो कहेंगे सर्विसेबल. Then will he be called serviceable? है? Serviceable नहीं कहेंगे. He won't be called serviceable. इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा के पास अपनी सर्विस के कभी भी लंबे चौड़े समाचार मत लिखो. This is why Baba says, never write long news of your service to Baba. क्यों? Why? समाचार लिखना अर्थात सिर्फ कथनी कथनी है. राइटिंग न्यूज मीन्स यू जस्ट स्पीक. करनी साबित नहीं होती. द एक्शंस इजंट प्रूव्ड. फलाना आने वाला है. ही इज अबाउट टू कम. बहुत ज्ञान सुनेगा. ही विल लिसन टू द नॉलेज अ लॉट. बहुत सेवा करेगा. ही विल डू अ लॉट ऑफ सर्विस. ऐसे ऐसे कह करके गया है. He went saying this. ऐसा बाप को कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है. There is no need to write anything like that. कम लिखना होता है. You have to write less. लंबे चौड़े कई कई पेज के लेटर्स बाप को पढ़ने का टाइम है ही नहीं. The father doesn't have time to read lengthy letters of many pages at all. देखना चाहिए कि दोबारा आता है या नहीं आता है. यू शुड सी वेदर ही कम्स अगेन और नॉट.
और आने के बाद ठहरता है या नहीं ठहरता है? In addition, does he stay after coming or not? समझ करके, he should understand the knowledge. बाप को पहचान करके, recognize the father. बाप के सामने पहुंच करके, reach the father. और दूसरों की सर्विस करने लग पड़े, and start doing service of others. तब समझें कि सर्विस की है. It is then that it will be understood that you have done service. है? लंबा चौड़ा चक्कर बताई दिए. Baba has mentioned a long process. बाप को कब समाचार लिखो? When should you write news to the father? जब पूरा पूरा रिजल्ट निकले. It is when the complete result comes out. बाबा को तो रिजल्ट चाहिए. बाबा सर्टेनली वांट्स रिजल्ट. ऐसे तो बहुत आते हैं और चले जाते हैं. As such, many come and go. आया राम गया राम, उनसे फायदा क्या हुआ? They pay a casual visit. What is the benefit? ना उनका फायदा हुआ ना तुम्हारा फायदा हुआ. Neither they nor you were benefited. तुम्हारी मिशन की वृद्धि तो नहीं हुई? There certainly wasn't any increase in your mission. क्यों? Why? कोई आया. Someone came. समझ करके चला गया. Understood the knowledge, went away. फिर दोबारा आया नहीं. And didn't come again. तो फायदा नहीं हुआ. Then wasn't there any benefit? हाँ. बाबा तो कहते जो बीज डाला ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों के जहाँ कदम पड़ते हैं, ब्राह्मण जहाँ समय देते हैं, वो समय कभी बर्बाद जाता ही नहीं. Baba certainly says the seed sown by the Brahmins, the place where the Brahmins step, and the time that the Brahmins invested are never wasted. तो फायदा नहीं होता? So, isn't there any benefit? है? Student, the subject quality. हाँ, third class प्रजा quality में चले जाएंगे. Yes, they will be included in the third class subject quality souls. जो बाप की प्रजा बननी चाहिए वो नहीं बनेगी. They won't become the father's subjects that they should become. अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते. अच्छा, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू द चिल्ड्रन. ओम शांति.